उस समय मैं आपको सूचना देने के बाद आप सब लोग यहाँ पे पधारे, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। विषय है रीवा नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर के। 27 तारीख को समाचार पत्रों में, आप लोगों को भी मालूम है मीडिया के लोग हैं, ईमेल के द्वारा आपको समाचार पत्रों को भेजा गया था कि अपने कुलदीप सेन जी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उसी के 2 घंटे बाद फिर एक मेल जाता है आप लोगों को और उसमें बोला जाता है कि नहीं, वो इसका हम खंडन करते हैं, हमारा ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। एक बार आपने अपमानित किया, फिर उसके बाद अगले दिन फिर नगर निगम की मेल से जाता है आप लोगों को, समाचार पत्रों को, कि नहीं उनको फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसी कंपनी द्वारा बनाया गया, नगर निगम उसके साथ में है। तो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का इतना बड़ा अपमान, ये समझ से परे है। वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो रीवा ही नहीं, हमारी विंध्य नहीं, प्रदेश की धरोहर है, और उनका इतना बड़ा अपमान, ये गलत है। उनका अपमान करने में कौन, किसकी साजिश है, किसने क्या किया, ये हमने कविस्तर को भी आज पत्र द्वारा पूछा है। और कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि क्या कुलदीप सेन जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है रीवा नगर निगम के इतिहास में कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब कुलदीप सेन जी का हमारा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ, हम सब लोगों ने हर्ष मनाया, और उसके बाद जिस तरह से ये कृत्य निगम द्वारा किया गया, उससे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको आघात पहुंचा है, और पूरा पिछड़ा वर्ग इससे आघात महसूस कर रहा है, सबसे आघात महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सेन जी कोई किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं, वो रीवा के विंध्य की धरोहर है। तो उनका ये अपमान बहुत खेदपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि माननीय महापौर जी, जो कि निगम के मुखिया हैं, वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफी मांगे, जो कि ये गलत हुआ है। जिस समय ये फोटो खींच रही थी, जिस समय वो बैनर के साथ फोटो खींचा रहे, उसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल थे, एसके चतुर्वेदी जी, जी क्या उनको ये संज्ञान नहीं था कि बिना बनाए इनको कैसे पोस्टर लगाया जाए, क्या उन्होंने आपत्ति की थी उस समय? कोई आपत्ति नहीं, वो मैं वहां से निकला हूँ, मुझको भी रास्ते में मिले हैं, तो उनसे मुझसे बोले कि कहाँ से आ रहे हैं, तुम बताए कि हम वार्ड नंबर 10 में भ्रमण में गए थे, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के साथ भ्रमण था, लौटे तो उन्होंने बताया कि हमारा कुलदीप सेन जी से परिचय करवाया, और उन्होंने बताया कि आप कुलदीप सेन जी हैं अपने, मैं उनसे पहले से भी परिचित था, पर उन्होंने बताया कि इनको हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप लोग देखेंगे ये छाया फोटोग्राफ्स भी हैं, ये देखिए आप, उनको माला पहनाया गया है कुलदीप सेन जी को, एसके चतुर्वेदी जो कि इसके स्वास्थ्य के नोडल हैं, रैंकी के कर्मचारी हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, मुरारी जी, ये सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपमान किसी इतने बड़े खिलाड़ी का, ये बहुत निंदनीय है। अब मैं पुनः महापौर जी से ये आग्रह करूंगा कि वो पूरे समाज से, सबसे, और खासतौर से कुलदीप जी से माफी मांगे, मुखिया होने के नाते। आप नगर निगम के परिषद अध्यक्ष हैं, आपने क्या अधिकारियों से सवाल पूछा कि आपने जब उनके साथ फोटो खिंचवाई तो क्यों खिंचवाई थी, क्या उस समय आपने मान लिया था कि ब्रांड एम्बेसडर? जब मैं वहां से गुजर रहा था, एसके चतुर्वेदी जी जो इसके नोडल हैं, उन्होंने स्वयं मुझको वहां पे रोक करके कहा कि आइए, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए, कुलदीप सेन जी हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, और स्वच्छता सर्वेक्षण के अभी हम लोग सैनिक स्कूल गए थे, आकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं सिरमौर चौराहे के पास, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, चाय पी रहे हैं, हमारे साथ भी फोटो जी, जी किसके कहने पर वहां, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आयुक्त को मैंने पत्र लिखा है कि चतुर्वेदी जी किसके कहने पे गए, और उससे भी बड़ी बात है, आप अगर इस पे छाया चित्र में देखेंगे तो साफ साफ इसमें ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप सेन जी का नाम लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा अपमान किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का, ये समझ से परे है। महापौर जी हमारे शहर के मुखिया हैं, कि इसके लिए वो विधिवत माफी मांगे। पिछड़े वर्ग के कई संगठनों के लोगों ने मुझे फोन द्वारा पूछा कि मैं, वो फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं भी वहां पहुंच गया था, और आप समाचार पत्र से हैं, आपके पास भी कुछ जगह मेल द्वारा मेरी भी फोटो भेजी गई है, और उस पे भेजा गया था, मेल में आपकी फोटो भेजी गई थी, क्या आपके यहाँ मत दी गई थी? नहीं नहीं,
मेल भेजा गया था, मेल में ये पूरा दिया गया था, नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली रीवा स्वच्छता अभियान की कमान, नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली स्वच्छता की कमान, उसके बाद ये पूरा वो दिया था। अंत में उन्होंने लिखा, उन्होंने इस अभियान में नगर के प्रत्येक युवा को इसमें शामिल होने का भी आह्वान किया है। इंजीनियर चतुर्वेदी ने बताया कि नगर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित मोहल्लों में भी इस अभियान का गति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी अपनी अभिनय के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ये पहला मेल जाता है आपको समाचार पत्रों को, उसी किस माध्यम से हुआ मुझे बताया गया, इतना हुआ। इसके पूर्व भी आपने कहा था कि एमआईसी का कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। विधिवत आयुक्त द्वारा जो पत्राचार किया जाता है वो सम्मान्य होता है। एमआईसी कोई निर्णय नहीं ले सकती है, अपना निर्देश बता सकती है, पर आयुक्त उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। कुल मिला के आप समझते कि गलत हो गया, अपमान हुआ, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के खिलाड़ी का अपमान हुआ, जिसके लिए कि मैं फिर कहूंगा कि महापौर जी नगर निगम के मुखिया है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एमआईएस कुलदीप सेन जी को लेकर है तो अभी तो मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ। जहां तक आपने कहा टकराव की बात, भूमि पूजन को लेकर आपने पूछा, तो मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं। किसी भी नियम अधिनियम में भूमि पूजन का उल्लेख नहीं है, ये एक परंपरा चली आई है कि वार्ड में कार्यक्रम होते हैं, वार्ड पार्षद अपना किए, किसी को बुलाए किसी को नहीं बुलाए। पर ये पहली बार देखने को मिला कि मेयर इन काउंसिल ये निर्देश जारी कर रही है कमिश्नर को, आयुक्त को, कि बिना महापौर जी के कोई भूमि पूजन होगा ही नहीं। रीवा शहर में 45 वार्ड है, हर वार्ड में 5-7-10-10 कार्यक्रम हो रहे हैं, तो महापौर जी क्या सुबह से शाम तक केवल नारियल फोड़ेंगे कि और कुछ करेंगे? जो वार्ड का पार्षद, आप भी जानते हैं, आप भी रीवा के रहवासी हैं, कोई भी काम को लेकर कोई भी व्यक्ति महापौर के पास नहीं जाता, पहले अपने वार्ड पार्षद के पास आता है अपनी समस्याओं को लेके। पूरे समय जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसमें 70% जो भागीदारी पार्षद की होती है, सुबह से शाम उसमें लगता है, और उसके पास एक तो भूमि पूजन में नारियल फोड़ने का, वो भी आप अधिकार छीनने की बात कर रहे हो जबकि आपको अधिकार नहीं है। भूमि पूजन नगर निगम के अधिनियम में कहीं नहीं है, ये एक औपचारिकता है। कोई शुभ कार्य करने के पहले आदमी श्री गणेश नारियल श्रीफल अपना उसे कर देता, बाकी ऐसा कोई टकराव की स्थिति नहीं है। मुद्दा भी ये था कुलदीप सेन जी वाला, तो मेरा केवल इतना इसमें कहना था। और दूसरा, रीवा की जनता को और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये आपके अमृत 2 में 158 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, उसमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी मैं इसमें आभार व्यक्त करता हूं, रीवा के सांसद परम आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का भी मैं इसमें आभार करता हूं, मैं आयुक्त नगर निगम का भी इसमें आभारी हूं, अधीक्षण यंत्री संभागी उनका भी मैं आभारी हूं, और पूरी परिषद का आभारी हूं, जो कि परिषद ने इसमें कहीं भी अवरोध बिना इसको पास किया, तो मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं और युवा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द पेयजल की समस्या से उनका निवारण हो।